इनिशिएटिव जो है बहुत ही अच्छी, मैंने जैसे अभी मेरे स्पीच में भी कहा कि समाज को आगे ले जाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है और ऐसी संस्थाएं जो समाज को उत्थान के लिए काम कर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और जो उनके काम हैं मैं जो देख रहा हूँ और आगे ऐसे ही काम करते रहे। जो भी मेरी, मैंने उनको वही कहा है कि जो भी मेरी हेल्प लगेगी आपको उसके लिए अच्छा तैयार और ऐसे निरंतर वो काम करते रहे, इसके लिए उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना मेरी देता हूँ। और रही यहाँ के बच्चों को, जैसे हमने अनाउंस किया है राहुल एजुकेशन खुलवाया, उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, फ्री बुक्स दिया जाएगा और फ्री ड्रेसेस दिए जाएंगे उनके बच्चों को पढ़ने के लिए। हॉस्टल फाउंड का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज आप यहाँ पे चीफ बन गए थे, आपने परफॉर्मेंस देखी सारे बच्चों की, तो कैसा लगा आपको? परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, अभी रामलीला भी होने वाली है वो भी देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने टैलेंट को निखार रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, देख के अच्छा लगता है। टीम ने पूरी मेहनत की है और देख के लग रहा है कि हाँ बच्चे कहीं ना कहीं राइट हैंड में हैं, सही हाथों में हैं और ऐसे ही उनका प्रोग्रेस होते रहेगा, ये मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। राहुल जी, आपने इतने सारे स्कूल्स खोले हैं, बनारस हो गया, पुणे हो गए, फिर मुंबई हो गए, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी ये सोचते हैं कि जो डोनेशंस वगैरह है जो नहीं करते, अभी भी इनको डर लगता है कि कहीं ना कहीं डोनेशन करने से कोई गलत हाथों में ना चला जाए, फिर वो अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग अभी भी बैकवर्ड में चल रहा है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि डोनेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक स्टिल देयर आर पीपल हु थिंक्स दैट गर्ल्स आर शुड बी अवॉइडेड एंड ऑल, तो समाज में से ऐसी बुराइयां खत्म होने लगी हैं और ख़त्म होनी चाहिए, अगर कोई ये सोचता है तो प्रवृत्ति और प्रकृति ठीक नहीं होगी। बाकी आज समाज में ऐसे लोग हैं और ऐसी संस्थाएं जो जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इस चीज़ों को, अब आप देखिए रेशो भी बॉयज़ और गर्ल्स सेल के इक्वल होते जा रहे हैं, तो सेफ चाइल्ड का जो एक नारा और बेटी बढ़ाओ का जो एक नारा प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आज वो सब चीज़ें ख़त्म होने लगी हैं और लोग अब आगे बढ़ के इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के अपना चाहे एजुकेशन में देख लीजिए या हर फील्ड में लड़कियां अच्छे से अच्छा काम कर रही हैं और कहीं भी आदमियों से कम कहीं कम नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में चेंजेस आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंजेस है। थोड़ा टाइम लगा होगा, शायद मैं ये मांग सकता हूँ थोड़ा टाइम लगाओ, लेकिन जो चेंजेस अब आ रहे हैं वो बहुत अच्छा है और बहुत ही आगे जाएगा सब चीज़ें। हमारे दोस्त हैं आनंद कुमार जी, उन्होंने मुझे इसके बारे में, संस्था के बारे में बताया और बताया कि आज प्रोग्राम में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं यहाँ पे था और संस्था को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि कम से कम मुझे यहाँ बुलाया, इस लायक समझा कि मुझे इस यहाँ पर बुलाया गया। और के जी हैं जो संस्था के कर्ता व्यक्ता हैं, उनसे मुलाकात हुई, उनकी बातें भी सुनी, अच्छा लगा, मैंने कहा कि सही बच्चे सही हाथों में हैं और सही हाथों में है और सही प्रोग्रेस पे। तो राहुल जी, इतने सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस आपने खोले हैं, सो अब क्या इरादा है, अब बच्चों के लिए क्या करना है? टैलेंट को निकालना है, हमारे स्कूलों में कोशिश रहती है कि हर बच्चा केजी टू पीजी हमारे कोर्सेज हैं, जहां बच्चा केजी में आता है और हम पोस्ट ग्रेजुएट तक कॉलेज चलाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उसको सही शिक्षा मिल पाए, अच्छी शिक्षा मिल पाए और सही फीस में मिल पाए, ये हमारी कोशिश है और दिन ब दिन हमारी टीम पड़ोसी उसी काम में लगी रहती है कि फ्यूचर जो जनरेशन है वो सही निकले ताकि देश का भविष्य आगे बढ़ सके। ख्याल पे ये जो एनजीओ है, जो लॉस्ट फाउंड है, ये एक आश्रय और सहारा का भी काम कर रही है और एक नए भारत का निर्माण कर रही है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वही भविष्य होते हैं किसी भी देश का, तो अगर बचपन अगर आपने सही ढंग से नहीं किसी का संभाला तो उसका जो है भविष्य खराब हो सकता है। तो लॉस्ट एंड फाउंड का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जिसका कोई नहीं तो उसका खुदा है यारो, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड है यारो, और हमें सबको जुड़ना चाहिए किसी ना किसी रूप से, चाहे वो मानसिक रूप हो, चाहे आप भौतिक रूप से जुड़े हों, चाहे आप वित्तीय रूप से जुड़े हों, तो एक जो एक प्रयास है उस प्रयास को हमें सफल बनाना है, हमें ये प्रण लेके आज 26 जनवरी को जाना चाहिए यहाँ से, एक बहुत अच्छा प्रयास है और मैं इसकी हमेशा सराहना करूँगा। अच्छा, आज आप यहाँ पर आए हैं एज अ गेस्ट, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी बच्चों की परफॉर्मेंस एंड क्या कहना चाहेंगे इन प्यारे प्यारे बच्चों के बारे में? सही बताऊँ तो मुझे अपना बचपन याद आ गया है, क्योंकि मेरी भी हालात कोई इनसे ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं थी, मैं खुद एक लोअर
मिडिल इनकम ग्रुप से आप कह सकते हैं कि था, कि जहाँ कभी कभी ऐसा हुआ है कि मुझे एक वक्त का खाना मिला है, तो इन बच्चों में मुझे अपनापन नज़र आया है और बच्चों का एक भविष्य बहुत सुंदर है जो मुझे लगता है। एक इनके अंदर देखिए कोई चोरी नहीं है, कोई किसी तरह का कोई द्वेष भाव नहीं है, बच्चे जो ऐसा प्यार दे रहे हैं और वो मेरे ख्याल में सच में उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। जब आप बच्चों से मिलते हैं तो बच्चों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उनसे प्यार से बात कीजिए, उनका अपना बन के बात कीजिए, उसके बाद वो जहान आपको देने को तैयार होते हैं। तो यही मैंने महसूस किया यहाँ पे कि ये बच्चे जो हैं ये शायद मेरा अपना रूप में देख रहा हूँ। और कभी कभी आप इमोशनल होते हैं और इमोशनल होना चाहिए, क्योंकि आप इंसान हैं, ह्यूमन बींग अगर इमोशनल नहीं होता है तो मेरे ख्याल लानत है। हमें इतनी मटेरियलिस्टिक लाइफ और भौतिक लाइफ को नहीं जीना चाहिए कि हम अपनों और बच्चों में जो है एक अंतर रखें। बच्चे चाहे किसी के भी हों, वो बच्चे बच्चे ही होते हैं, क्योंकि वो सीधा ईश्वर का रूप होते हैं और आप ईश्वर से बात कर रहे हैं। कई लोग भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, कई लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, लेकिन बच्चे एक ऐसे रूप को लेकर आते हैं जो एक मैसेज देते हैं ईश्वर का, और उस मैसेज को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए और बच्चे को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने परिवार के साथ हूँ। अच्छा, तो आप देखिए लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन जो है, लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन जो है, इसमें मेरे एक दोस्त हैं अश्विनी जी, जो कि काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में, अश्विनी नायक, उन्होंने मुझे आज सुबह ही निमंत्रण दिया था, मेरे साथ ही हैं, आप देख सकते हैं इनको, बहुत अच्छे इंसान है और हम लोग काफ़ी सारे कार्यक्रम जो कार्य कर रहे हैं हम इस समाज के लिए, देश के लिए, और सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से हम सपोर्ट करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ बच्चों को बल्कि देश को। तो उस कार्य में किसी भी रूप से, चाहे वो आप क्रिएटिव साइड से करना चाहें, चाहे आप भौतिक रूप से करना चाहें, सामाजिक रूप से करना चाहें या वित्तीय रूप से करना चाहें, तो मैं और अश्विनी जी काफ़ी समय से इस काम को कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे आज सुबह लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में बताया, और फॉर्चुनेटली मैं बॉम्बे में था, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि सर आप आइएगा यहाँ पे, इस तरह से प्रोग्राम हो रहा है। और इमीडिएटली मैं बाकी सब प्रोग्राम छोड़ के, मैंने कहा नहीं, ये अगर ये बच्चों का प्रोग्राम और इस तरह का है जो एक नोबल कॉज है और जिसमें हर किसी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी का कोई मतलब नहीं होता है, तो अश्विनी जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ और इन बच्चों को मिलूँ और अपनी फीलिंग और उनकी फीलिंग को समझूँ और फिर एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए कि जिसमें कि हम कम से कम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें पॉजिटिव। सर ये ऐसे जो सर हैं हमारे, तो वी नीड मोर मेंटर्स लाइक दिस। मैं भी काफ़ी यंग हूँ, इनके छोटे भाई की तरह ही हूँ। सो ही इज़ यू नो अ फाइनेंशियल डॉक्टर, तो आज की डेट में जो है हर चीज़ फाइनेंस पे आती है। तो हमारी जो संस्था है, इट्स स्टार्टअप, ही इज़ ऑन द बोर्ड ऑफ वॉकहार्ट फाउंडेशन, यू नो सच सीनियर फाउंडेशन, तो वी विल लर्न फ्रॉम देम, दे विल हेल्प अस, दे विल मेंटर अस कि कैसे करना है चीज़ें, यू नो करने का लिए क्या का जो एक माध्यम होता है, एक रूट होता है। So I think he is a perfect mentor for us, and this is the first event of many more events to come, and you know, many more collaborations. So sir, किस तरीके से देख रहे हैं आगे इनके साथ में काम करने के लिए, क्या कुछ collaborations की तैयारियां चल रही हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल में पूछना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई आता है तो हमें ये भी पूछना चाहिए कि भाई आप किस तरह से, किस रूप में आप इनसे जुड़ सकते हैं या सहायता कर सकते हैं। तो अभी शायद आप नहीं थे, मैंने स्टेज पे बोला है कि मैं कुछ फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ सीनियर पोजीशन पे। तो वोकार्ड एक फाउंडेशन है जो हेल्थ केयर के बारे में काम करती है, बच्चों की ग्रोथ के बारे में काम करती है, बच्चों की एजुकेशन के बारे में काम करती है, और जिसमें हम अपनी तरफ से ही दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्थ केयर को देखते हैं, जो न्यूट्रिशियस वैल्यू बच्चों के शरीर में कम होती है, हमारे डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि 8 हमारे हॉस्पिटल हैं, 3,500 बेड्स हैं, तो स्पेशलाइजेशन में वो हम बच्चों को जाके जो है चेक करेंगे उनके, जहाँ टीकाकरण की ज़रूरत है, किसी भी तरह की ज़रूरत है, हम उस चीज़ को देखेंगे। दूसरा एजुकेशन में जो है, खेल खेल में, और कुछ हमारे प्रोग्राम थे जो वो कार्ड के, उसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे कि खेलते खेलते वो कैसे पढ़ाई के नज़दीक आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर ये होता है, जैसे मेरे में भी नहीं था, कि भाई पढ़ाई में शौक बहुत कम को होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि बचपन जो होता है वो पढ़ाई के लिए नहीं, खेलने के लिए होता है, जीने के लिए होता है। अब ज़बरदस्ती हम थोप देते हैं कि नहीं, आप तुम्हें पढ़ना है और तुम्हें ABCD ही पढ़ना है, तो शायद हमें अब उस ABCD से उठ के कहीं और जाना है, जिसमें कि उनको पढ़ाई भी हो जाए, लेकिन पढ़ाई उनकी रुचि के हिसाब से हो, ना कि ज़बरदस्ती हो। तो ये वोकार्ड फाउंडेशन का काम है कि हम खेल खेल में बच्चों को खिला खिला के और उनको एजुकेट करते हैं, उनको गिनतियाँ सिखाते हैं, उनको पढ़ाई और ज्ञान देते हैं पूरे अपने भारतवर्ष का और बाहर का। तो ये हो गया। दूसरा हमारी एक संस्था है अभियुक्ति कार्यशाला, जिसमें मैंने बताया था पहले भी, उसमें हम बच्चों को एक्टिंग के थ्रू क्रिएटिव रूप से हम उनके अंदर जो रिसोर्स होता है, जो उनका टैलेंट होता है, उसको निकालते हैं। तो उनको एक्टिंग के माध्यम से, क्योंकि देखिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें BA MA करना है या पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके ही हमें जॉब मिलेगी। आज की डेट में उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं आप आर्टिस्ट, देखिए हम बॉलीवुड में बैठे हुए, बड़ा बहुत बड़ा एग्जांपल है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई सिर्फ हमें एक अच्छा नागरिक बनाना सिखाती है। पढ़ाई ये कभी नहीं कहती है कि तुमने BA किया है तभी तुम ये कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्रिएटिविटी जो अंदर की जो होती है ना, उसको हमें निकालना है, स्किल जो है उसकी, उसको डेवलप करना है,
वो बच्चों के अंदर होता है, तो वो हम इसके माध्यम से करते हैं अभी अपने कार्यशाला के माध्यम से। उसके अलावा मेरे बहुत खास दोस्त भी हैं और पार्टनर भी हैं, मैं बताना चाहूँगा संग्राम सिंह जी, आपने नाम सुना होगा, पहलवान है वो और भारत की शान है वो, दो बार उनको वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड मिला हैवी वेट का। तो उनकी एक संस्था है जो ऑलरेडी 270 बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, 270 बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है, और हम लोग उनको पूरा पढ़ाई से लेके रहने से लेके खाने पीने सारा खर्चा उठाते हैं। तो वही मॉडल हम यहाँ पे बम्बई में भी कुछ बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, मैं आपके सबके सामने कह रहा हूँ, और उसी मॉडल में संग्राम सिंह फाउंडेशन की तरफ से हम अपना कंट्रीब्यूशन जितना हो सकते हैं हम देंगे, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अवर फैमिली, वो समाज से अलग नहीं है, बच्चे हमारे हैं। जरूरी नहीं है कि किसी से रिश्ता आपका खून का होता है, रिश्ता तो भावनाओं का होता है, आपको भावनाओं से जुड़ना है ना कि खून से जुड़ना है, तभी शायद ये सब जो है प्रॉब्लम जो है खत्म होगी। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ बच्चों को जरूर अडॉप्ट करेंगे, और मतलब उसमें कोई नंबर कोई लिमिटेड नहीं है कि मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 5 बच्चे ही लेने हैं, इसमें टारगेट नहीं होता है, इसमें विजन होता है, और हम एक विजन के साथ में सपोर्ट करेंगे हमारा जो नया भारत है उसको साकार करने के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री ने सबका सोचा हुआ है, साकार करना हमारा काम है, सोच उनकी है और उसको साकार करना हमारा काम है, और जरूर निश्चित रूप से हम 26 जनवरी को हमका सुनवा दें कि हम इसे साकार करेंगे। थैंक यू, कहना चाहेंगे आज के इनिशिएटिव के बारे में जो लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन इज अ वेरी गुड फाउंडेशन, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। आज मैं जब मैं मलाड से आ रहा था, जू में प्रोग्राम चल रहा है, तो मुझे रास्ते में कुछ बच्चे, आज रिपब्लिक डे है, भारत का रिपब्लिक डे है, तो मुझे कुछ बच्चे सिग्नल में दिखे जो झंडे बेच रहे थे, और मैं इस प्रोग्राम में आ रहा था जहाँ बच्चों का हेल्प किया जा रहा है, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो इस प्रोग्राम में नहीं आ सकते हैं, जो ऐसे लोगों के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनको हेल्प की ज़रूरत है। आज एक बच्चा जो रास्ते में फ्लैग बेच रहा है, वो इसलिए फ्लैग बेच रहा है कि उसे खुशी नहीं है, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे की खुशी नहीं है, वो इसलिए बेच रहा है कि उसको अगर बेच लेगा तो उससे कुछ खा पाएगा वो, ये बहुत दुखद चीज़ है। और ये जो एक सेंटीमेंट है, जो ये लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन जो एक इनिशिएटिव लिया है कि हम कॉज को देखेंगे, बच्चों के प्रॉब्लम को देखेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे। शीरा जी, आप एक नए अच्छे डायरेक्टर हैं और आज आप यहाँ पर आए हैं, इन बच्चों को आपने देखा होगा किस तरीके से ये लोग एक्ट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, इनकी एक्टिंग के बारे में आप? देखिए, मैंने अभी दो तीन प्रोग्राम देखा, अभी रामलीला होना बाकी है, तो फैशन शो भी देखा, और आज के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और मैं यहाँ जो 25-30 बच्चों को देखा, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि उन लोग कितने मतलब स्टेमिना है उनमें, कितना टैलेंट है कि आके स्टेज में आके उन लोग क्राउड को फेस कर रहे हैं। किस तरीके से आप जुड़े इस लॉस्ट एंड फाउंडेशन के साथ? देखिए, ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और मैंने कुछ दिन पहले एक अपना वीडियो बना के यूट्यूब में डाला था कि इस संस्था के साथ जुड़े, उनको हेल्प करें, तो मैं अभी सोच रहा हूँ, बिकॉज मुझे अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं, बट जो मेरा फील्ड है डायरेक्शन का, फोटोग्राफी है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ टैलेंट्स को मैं चांस दूँ, कुछ फोटोशूट्स करूँ बच्चों के लिए, उनको हेल्प हो सके, क्योंकि यहाँ पे फोटोशूट्स और ये सब में काफ़ी पैसा लगता है, तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ फ्री फोटोशूट्स कर दूँ, कुछ जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो सामने आ सकें, मेरी मूवीज़ बनते रहती हैं, मेरे वेब सीरीज़ बनते रहते हैं, मैं उसमें उनको चांस दे दूँगा, एंड उसके लिए मैं मेरे फील्ड से रिलेटेड जो है, हो सकता है कुछ दान कर सकें, कुछ कर सकें, कुछ लोगों से मिला सकें, यही हम कर सकते हैं अपने तरफ। आज यहाँ पर हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल, आज 72nd रिपब्लिक डे है इंडिया का, और बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग सब यहाँ मिले हैं, और इस मौके में जुहू में ये बच्चे भी पार्टिसिपेट किए हैं, सीनियर सिटीजन भी पार्टिसिपेट किए हैं, और आप सब प्रेस वाले भी यहाँ पे आए हैं, तो थैंक यू वेरी मच। इस इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, हाँ मैं ये चाहूँगा कि आप लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन के साथ जुड़ें, उनके साथ पार्टिसिपेट, जैसे आज मैं यहाँ आया हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि मैं आगे क्या क्या किस तरीके से जुड़ूंगा, क्या हेल्प कर पाऊँगा, पर एटलीस्ट आप आगे आइए, अपना एक इनिशिएटिव दीजिए, इनके साथ जुड़िए, प्रॉब्लम्स आजू बाजू रहती हैं, आप रोड में चल रहे हैं, आपके आजू बाजू प्रॉब्लम्स, आप थोड़ा आँख खोल के देखिए, ध्यान दीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके साथ ध्यान दीजिए,
मैंने कुछ साल पहले मैंने एक पेज बनाया था बेगर फ्री इंडिया, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब कोई भिखारी रोड में, आप करोड़ों अरबों की बात कर रहे हैं और आपके सब गली गली में रोड में आपके भिखारी भीख मांग रहे हैं, तो आप ये क्या, आप किस बात की खुशी है आपको? तो फर्स्ट यू हैव टू सी जो नीडी है उन तक ये प्रॉब्लम पहुँचे। आप यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, इन्होंने यहाँ चलो किताबें बांटी, सबको हेल्प किया, अनाउंसमेंट किया कि हम हेल्थ ये देंगे वो देंगे, पर ये चीज़ करना है तो ये करने का काम एक आदमी का काम नहीं है। इसमें हम सब अगर मिलेंगे, हम सब हाथ बढ़ाएंगे, तभी ये आगे पॉसिबल हो पाएगा। थैंक यू सो मच शेटिस के बारे में। हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे कहना चाहूँगी। आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी प्राउड थी मुझे यहाँ पे आने का योगदान मिला। लॉर्ड्स एंड फाउंड फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो पिछड़े बच्चों को अपने माँ बाप को मिलाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे बिछड़ जाते हैं, हमारे खुद के बच्चे अगर 2 घंटे के लिए कहीं बाहर जाते हैं, हमें इतना बुरा लगता है बच्चा अभी तक घर पे नहीं आया, कहाँ गया। ये संस्था मुझे बहुत अच्छी लगी। आज मुझे बहुत सारी इन्विटेशन थे, मैं वहाँ पे नहीं गई, यहाँ पे बहुत कुछ लगा था, जलियों हैं सब कुछ, इतने सारे बच्चे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ, इस लॉस एंड फाउंड फाउंडेशन को मैं सपोर्ट कर रही हूँ। मैं सबको ये कहना चाहूँगी आप भी सपोर्ट करो, ज्वाइन करो। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में? बच्चों के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड नहीं, तो इतने बाहर के बच्चे टैलेंटेड हैं, इतने मासूम बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं सब बच्चे। आज आप यहाँ पे गेस्ट बनकर आई और सब बच्चों से मिली, तो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा, तो क्या क्या मीडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और सभी को प्रणाम है। आज दार्शनिक मुंबई न्यूज़पेपर की तरफ से मिस्टर एंड मिसेस फैशन शो में आज मुझे ये मिला है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि मुझे आज इसका हक मिला, मेरे हक। मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज उनके सपोर्ट से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ और हमने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट कर लिया है। और कल्याण जी जाना जो सोचते हैं वो कर लेते हैं, हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम ने पिछले 3 दिन से जो मेहनत की है। इनिशिएटिव के साथ में जुड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? तो वेद वर्ल्ड जो हमारा कंपनी है, उसमें हम लोगों ने यही इनिशिएटिव लेके चले हैं कि समाज सेवा, बालकों की जो ये जो सेवा है, ये भगवान के बच्चे, गॉड्स चिल्ड्रन, हम इनको अनाथ बच्चे नहीं बोलते, हम इनको बोलते हैं कि ये भगवान के बच्चे, भगवान का रूप है। तो क्या है कि अगर इन बच्चों के लिए जो हमारी वेदवर्ल्ड संस्था है, लॉस्ट एंड फाउंड संस्था है, ये अगर कुछ काम कर रही है, तो इसमें आज से मैं नहीं जुड़ा हूँ, इस बात को 7-8 साल हो गए जब से हमने इस इनिशिएटिव को हाथ में लिया था। हमने एक गॉड्स चिल्ड्रन नाम की एक फिल्म भी बनाई थी इनके ऊपर, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें हम लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से ये लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, कितना इनका जीवन करुणामय होता है। आगे जाके कोई इनमें से अब्दुल कलाम बन सकता है, आगे जाके इनमें से कोई कुछ भी बन सकता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर अमीर परिवार में आप पले बड़े हो तो ही आप बड़ा नाम कमाओगे, ये सब बच्चों में एक भविष्य छिपा है। तो इसी भविष्य को लेके हम लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं, और हम लोगों का मेन मोटो यही है कि इन बच्चों के लिए अगर हम कुछ कर पाएँ तो हमारी ज़िंदगी का संकल्प पूर्ण हुआ समझो। तो ये वही है, लॉस्ट एंड फाउंड के इवेंट्स जो हो रहे हैं उसमें हम लोग तो यही दुनिया से आह्वान करते हैं कि शुरुआत हो चुकी है, अभी ये भारत में बच्चों को लेके हमने किया है, आगे जाके हम इसको यूएन में रजिस्टर्ड कराएंगे, और आगे जाके हर देश के ऐसे बच्चों के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। तो यही यहीं से शुरुआत तो घर से ही होती है। अच्छा पुनीत जी, सबसे पहले ये भी जानना चाहेंगे ये वेद वर्ल्ड एग्जैक्टली करता क्या है, इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग वेद के नाम पे तो हमें से वेद याद आता है। वेद अनंत है, जैसे शिव अनंत है वैसे वेद भी अनंत है, और वेद वर्ल्ड है मतलब कि ये जो है सनातन का ज्ञान पूरी दुनिया के लिए। तो वेद वर्ल्ड में हमारे प्रोसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। अब देखो, जैसे कि आप किसी एस्ट्रो के पास जाते हो, वास्तु वाले के पास जाते हो, वो आपको कुंडली देखेगा, 1000 चीज़ों में घुमा देगा, हमारे पास ऐसा नहीं है। हम लोग प्योर साइंस को लेके चल रहे हैं, वेद एक साइंस है, तो उस साइंस को हम दुनिया को दिखाते हैं नज़रों से, ना कि जा बच्चा तेरा भला हो जाएगा या हम कुछ ऐसा वैसा कर देंगे, चमत्कार कर देंगे, वैसा कुछ नहीं है। ये प्योरली साइंटिफिक है। एनर्जी, जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उन्हीं को हम लेके प्योर उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ताकि दुनिया में
पॉजिटिविटी फैले, नेगेटिविटी दूर हो जाए। आपको पता है कि कलयुग में डिप्रेशन, आज बॉलीवुड में क्या चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, सुसाइड्स हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो पहले क्या है, मन आत्मा और आपकी कुंडलिनी ये बैलेंस होनी चाहिए। तो वही चीज़ है वेद वर्ल्ड में, अभी आप देखते जाइए आगे जाके, हम लोग हमारे सेंटर्स भी खुल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी खुल रहे हैं धीरे धीरे, तो आप देखते जाइए आपको पता चलेगा वेद वर्ल्ड क्या करता है। अच्छा, तो आपका जो वेद वर्ल्ड है किस तरीके से आप आए लॉस एंड फाउंड कंडीशन के कॉन्टैक्ट में एंड क्या कहना चाहेंगे? वेद वर्ल्ड जो है लॉस एंड फाउंड, ये सब हमारे फाउंडेशन ही हैं। वेद वर्ल्ड भी आगे जाके फाउंडेशन ही बन रहा है, कॉज रिलेटेड है, जैसे कि ये वेद वर्ल्ड भी एक कॉज रिलेटेड है, लॉस्ट एंड फाउंड भी एक कॉज रिलेटेड है। तो ये सारे कॉज एक मल्टी कॉज से जुड़े हुए हैं। उसमें क्या खाली क्या है, वेलफेयर, हमें वेलफेयर देखना है। वेद वर्ल्ड में हम लोग क्या करते हैं, इंसान को हील करते हैं, वो भी एक वेलफेयर वेलनेस का ही जोन है, ये भी एक वेलफेयर का ही जोन है। तो ये हमेशा जुड़े रहेंगे, आगे भी हमारे कार्यक्रम में हमेशा वेद वर्ल्ड और लॉस्ट एंड फाउंड जुड़े रहेंगे। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आज के बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में? आज जो बच्चों ने ये प्रूव कर दिया है कि हर बच्चे में एक टैलेंट छिपी है, इन बच्चों को हमने एक प्लेटफॉर्म अगर दे दिया तो आने वाले भविष्य में ये बच्चे शून्य में से सृजन कर सकते हैं। इनके अंदर की शक्तियों को हमें जगाना है, एक हम क्या करेंगे इंसानियत के नाते, हमें इनको एक सपोर्ट देना है, एक मोटिवेशन देना है। और वो मोटिवेशन जब इनको मिल गया तो इनके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलेंगी, कितनी क्रिएटिविटी निकलेंगी, बस इनके चेहरे पे एक मुस्कान आनी चाहिए। हमारा तो यही है उद्देश्य कि हम इनके चेहरे के खुशी देख सकें, तो इसीलिए हम ये सारे कार्यक्रम करते हैं। हम अपने लिए नहीं करते, हम इन बच्चों की खुशी के लिए ये सारे कार्यक्रम करके हमें आनंद आता है जब अच्छे अच्छे लोग इससे जुड़ते हैं। अच्छा, तो क्या करो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, दोज हु हैव सपोर्टेड मी, दोज हु हैव टोल्ड मी टू हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाने की, खुद में एक प्रेजेंटिंग, खुद में एक कुछ कर दिखाने की काबिलियत जो मुझ में कहीं ना कहीं खो गई थी वो जगाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन को, इस वंडरफुल इवेंट को जिसने मुझे एक नाम दिया है, मुझे एक काम दिया है। और कल्याण सर को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हम जैसे लोगों को इतना सपोर्ट किया और हमें हमेशा मतलब कुछ कर दिखाने की एक चाह दिखाई। और मैं हर उस बंदे और बंदी को धन्यवाद करना चाहूँगी जिसको जिसका हाथ है आज के इवेंट को सक्सेस। It's a wonderful opportunity to participate on such a special day like Republic Day, which is so special. और इस organization Lost and Found जो foundation है उसका जो noble purpose है वो आज के दिन पूरे society के सामने आया है। और आप देख रहे हैं कि कितनी रौनक रही है, बच्चे जो इस तरह से इस फाउंडेशन के थ्रू रीयूनाइट हुए हैं वो सब यहाँ पे जुड़े हैं, सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, परफॉर्मेंसेज हुई हैं और बड़े बड़े डिग्निटरीज यहाँ पर आए हैं, अलग अलग फील्ड से आए हैं, पॉलिटिक्स से आए हैं, स्पोर्ट्स से आए हैं, एक्टिंग वर्ल्ड से आया हूँ। एंड सो इट इज़ लाइक इट शोज अ कॉमन पर्पज़ दैट वी ऑल शेयर टू डू गुड टू द सोसाइटी। एंड आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स दैट द सोसाइटी नीड्स राइट नाउ। और बाकी सर आप बताएं कैसा लगा? मैं कमल सोनी जी से पूछना चाहूँगा कि आप इतने बड़े सोशल वर्कर हैं, आपने वक्त निकाला हमारे लिए लॉस्ट एंड फाउंड के लिए, और वी आर वेरी थैंकफुल। सर पहली बात तो कोई मैं बड़ा इतना सेलिब्रिटी नहीं हूँ, ना कोई बड़ा नेता हूँ, सबसे पहला थैंक्स मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने मेरे को ये बच्चे लोग के लिए खड़ा रहने का मौका दिया। सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं वो बच्चे लोग का हूँ कि जिन लोगों ने जिनके कर कमलों से मैं यहाँ तक पहुँचा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम बोलते हैं कि ये अनाथ बच्चों के लिए प्रोग्राम, कि अनाथ बच्चे कोई नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे जो हैं उनको मालूम नहीं अनाथ क्या होता है और नाथ का मीनिंग क्या होता है। आज जो भी बच्चों के चेहरे पे खुशी देख रहा है, किसी को माँ बाप की लॉस का नहीं पता था और उसका प्लस का नहीं पता था। और अनाथ हम उस टाइम अपने आप को भी पाते हैं जब हम अकेले रहते हैं, हम सोचते हैं हमारे आजू बाजू कोई नहीं। सबसे बड़ी बात ये थी कि आज बच्चा कोई अनाथ नहीं था, किसी का माँ साथ में थी, किसी का बाप साथ में था, जहाँ उनको अपने रूप में हमारे को देखा, जहाँ उन्होंने हमारे रूप में माँ बाप को देखा, कोई लॉस नहीं था। वो लॉस एंड फाउंड का मैं थैंक्स आभारी हूँ।
कि जिन्होंने इतना बड़ा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। और सर, वो हमें पता चली है आप यू आर अ कोरोना वॉरियर और आपने 3.5 लाख डेली लोगों को डेली ये पूरे कोरोना पीरियड में घर पे अनाज दिया है, मेडिसिन दी हैं और इतनी बड़ी सेवा भाव आपके पास, और आपने आज तक किसी को बोलने का ना मीडिया के सामने ना किसी के सामने, मैं जानना चाहूँगा कि इसके पीछे आप और क्या करना चाहेंगे? ये जो कोरोना वायरस में कोरोना काल में किया है, ये हमारे सर्वे सर्वाचार्य हितेंद्र जी ठाकुर, उनकी छोटी सी पार्टी है बहुजन विकास अघाड़ी, जो बहुत बड़े बड़े काम करती है। मैं उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, दहिसर विधानसभा अध्यक्ष। ये बात सही है, 3.5 लाख लोगों के वसई विरार नाला सुपारा में घर पे खाना, जीवदानी ट्रस्ट, साईं बाबा पालकी ट्रस्ट, उनके ट्रस्ट हैं। जो जो हमारी पार्टी है एक एनजीओ टाइप पार्टी है, ना कि वो सोशल मीडिया में आना चाहती है, ना हम कुछ इतना आगे बढ़ के अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम इतने इतने बड़े काम करते हैं। क्योंकि हमारे जो हितेंद्र जी ठाकुर है वो नेतागिरी में बिलीव नहीं करते, हम काम करने में बिलीव करते हैं सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू।